हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी न्यूज़। दोस्तों, आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसके जैसे कुछ तो भी नया लेके आए, तो होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा और मज़ेदार लगेगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अगर देखा है तो उसके बाद में दो गैमेट्स जो कि दो वॉल्स उसे हम कह सकते हैं। तो पहला है एंथर, दूसरा है ओरी। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एंथर से। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। बायोलॉजी न्यूज़ इसका नाम है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एंथर। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, द एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड। तो दोस्तों, ये बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड यानी उसमें दो लोब्स होते हैं, विथ ईच लोब हैविंग द टू थिका, दैट इज दो थिका या दो लेयर से बना हुआ होता है, और इसको हम डाइथिकस ऐसे भी कह सकते हैं। डाई स्टैंड्स फॉर टू। एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर पोलन सैक्स। इसमें क्या होते हैं, तो चार पोलन सैक्स होते हैं, टू इन ईच लोब, यानी एक लोब में दो सैक्स, पोलन सैक्स ऐसे होते। इट हैज फोर लेयर्स। अभी इसमें चार लेयर्स पाए जाते हैं, तो उनके नाम ऐसे, पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथिकियम, तो तीसरा है मिडल लेयर्स, और चौथा है टेपटर्म। तो दोस्तों, एपिडर्मिस अभी पहला जो चालू करते स्टार्ट करते, तो पहला है एपिडर्मिस, वन सेल थिक आउटर मोस्ट कॉमन वॉल लेयर ऑफ एंथर विच कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सेल्स प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, तो एक सेल लाइनिंग जो कि थिक वॉल है, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग में पाई जाती है, जो कि एपिडर्मिस है। एपी मीन्स अपॉन, डर्मा मीन्स स्किन, यानी ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी जो लेयर होती है, उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस। और इनका फंक्शन क्या है, इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द इंटरनल सर्फेसेस। अभी इंटरनल सर्फेसेस में कुछ भी आ सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स आ सकते हैं, इंटरनल टिश्यूज आ सकते हैं, इंटरनल लेयरिंग्स आ सकती है। तो एपिडर्मिस क्या करती है, इट गिव्स द प्रोटेक्शन और वॉल जैसा एक काम करती है, जो कि बाहरी चीज़ों से अंदर के टिश्यूज या सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा है एंडोथिकियम और एंडोसियम, किस कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं हम, ये सिंगल लेयर है, सेल्स हैविंग सेलुलोज थिकनिंग विथ लिटिल पेक्टिंग एंड लिगनिंग इन सम केसेस, इट हेल्प्स इन एंथर डेसेंस। तो एक सिंगल लेयर हमें देखने मिलती है इसकी। सेल्स किससे बने होते हैं, तो सेलुलोज से बने होते हैं, थिक रहते, रिजिड रहते, हार्ड रहते, और इसमें पेक्टिन भी पाया जाता है, पेक्टिंग एंड लिगनिंग। नाउ दीज आर नोन एज द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ओके। और ये कभी कभी एंथर के डेसेंस में भी फ़ायदेमंद रहता है, इसका फंक्शन अगर हम देखें तो एंथर का डिहेशंस भी करने में हमें ये मदद करता है। अभी डिहेशंस यानी क्या, तो व्हेन द देर इज मैच्योर ओरी, इट स्प्राउट्स और इट बस्ट। तो बस्ट होने की जो प्रक्रिया है, जो फंक्शन है, उसको हम डिहेशंस ऐसे कह सकते हैं, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते, डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, आसान भाषा में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। थर्ड जो दोस्तों है मिडल लेयर, सो दे आर 1 to 6 लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। इसमें पैरेन्काइमा सेल्स 1 to 6 लेयर्स में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड मिडल लेयर एंड दे डिजनरेट ड्यूरिंग मैच्योरिटी ऑफ द एंथर। तो ये कब डिजनरेट होते या जनरेट होते, जब एंथर की मैच्योरिटी होती है तब ये फॉर्म होती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, तो इट इज नोन एज द मिडल लेयर। आखिरी दोस्तों टेपटर्म, दीज आर न्यूट्रिटिव कंपाउंड, स्पोरोलिन इज सिक्रेटेड बाई विच इट फॉर्म्स अ कंपाउंड ऑफ पोलन एक्जाइन। तो ये क्या होते हैं, तो न्यूट्रिटिव इनका फंक्शन है, इट गिव्स द न्यूट्रिशन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते, और उसके साथ साथ ये कंपाउंड स्पोरोलिन भी फॉर्म करते या सिक्रेट करते, जब ये कंपोनेंट पोलन एक्जाइन में पाया जाता है, यानी पोलन एक्जाइन जब फॉर्म होगा तब वापस पोरोलिन नाम का ये कंपाउंड हमें सीक्रेट होते वक्त देखेंगे। तो दोस्तों, अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन कैसा रहता है, यूनिसेल्युलर रहता है पहली बात,
दूसरा यूनी न्यूक्लिएट रहता है, यानी न्यूक्लियस सिंगल रहता है। स्पेरिकल और ओवर इसमें उसका स्ट्रक्चर देखने मिलता है, स्पेरिकल रहेगा या ओवल रहेगा। हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर वॉल इज थिक हाईली रेजिस्टेंट कॉल्ड एक्साइम, यानी ऊपरी जो आउटर लेयर है, बाहरी जो लेयर है वो सबसे थिक रहती है, जाड़ी रहती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ये क्या करती है, तो प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद में इट कंपोज्ड ऑफ स्पोरोलिन, आप स्पोरोलिन क्या होता है तो उसमें पाया जाता है। इनर लेयर ऑफ स्पोरोडर्म इज कॉल्ड इनर इंटाइन, इनर जो लेयर रहती है उसको हम इंटाइन कहते हैं। और ये स्पेशली किससे बनी होती है, तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और इट इंक्लोजेस द प्रोटोप्लाज्म विद अ सिंगल हैप्लोइड न्यूक्लियस, और ये इंक्लोज कर लेती है, यानी क्लोज कर लेती है अंदर के न्यूक्लियस को जो कि सिंगल हैप्लोइड है। होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है एंड्रोशियम, मेल गैमेटोफाइट इसको हम कहेंगे। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर स्टामेंस, यानी एंड्रोशियम में क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव वॉल है फ्लावर का, और ये क्या किससे बना हुआ था है? एक से ज़्यादा स्टामेन से बना हुआ था। इट रिप्रेजेंट्स मॉडिफाइड मेल रिप्रोडक्टिव लीफ स्पोरोफिल विच प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स, यानी स्पोर्स बनाने में एंड्रोशियम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेल गैमेटोफाइट है। स्पोर्स यानी वही हम मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, तो स्पोर्स स्टामेंस एंथर्स इनको हम कह सकते हैं, एंड्रोशियम को हम कह सकते हैं। तो स्टामेंस ये क्या है, तो स्टामेंस आर फ्री पॉलीएंड्रस यूनाइटेड इपिपेटलस, जब स्टामेंस फ्री होते तो उनको हम पॉलीएंड्रस कहेंगे, और जब एक साथ जमा होंगे टुगेदर होंगे तो उनको हम इपिपेटलस ऐसे भी कह सकते हैं। अब स्टामेंस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स दोस्तों, तीन पार्ट्स के स्टामेंस देखने मिलते हैं। पहला तो है फिलामेंट, दूसरा है एंथर और तीसरा है कनेक्टिव। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज मीन बाय फिलामेंट। इट इज़ अ स्टॉक ऑफ स्टामेन दैट बियर्स एंटर एंथर एट इट्स टिप, यानी फिलामेंट है, इट स्टॉक है स्टामेन का, और इस ये क्या पे पाया जाता है, तो एंथर के टिप पर पाया जाता है। दूसरा और इसका इट हैज द एंथर फॉर बेटर डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी टिप पर क्यों रहता है, तो बेटर डिस्पर्सल यानी पोलन ग्रेन्स की बेटर डिस्पर्सल होनी चाहिए, इसकी वजह से ये टिप पर ही मौजूद रहता है। दूसरा है एंथर, इट इज़ अ फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टामेन, फर्टाइल पार्ट होता है जिसको माइक्रोस्पोर्स बनाने रहते, तो स्टामेन का पार्ट है। और विच इज़ सोलन एंड हैव टू लोब्स, इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं। ईच लोब हैज़ टू चेम्बर्ड कॉल्ड पोलन सैक्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया विच पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल और मेल स्पोर्स। एंथर को हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल ऐसे भी कह सकते हैं, या मेल गैमेट ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगला है कनेक्टिव, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन विद द फिलामेंट, ये कंटिन्यूएशन रहता है फिलामेंट से लेकर नीचे तक, कनेक्टिव पार्ट जिसको हम कहेंगे तो उसको हम कनेक्टिव कहेंगे। और मिड रिप लाइक स्टराइल स्ट्रक्चर रहता है बिटवीन टू फर्टाइल लोब्स ऑफ द एंथर एज वेल एज कनेक्टिंग देम टुगेदर। तो इसका फंक्शन क्या है, दोनों फिलामेंट एंथर और नीचे कनेक्टिव को कनेक्ट करने का इसका काम रहता है, ठीक है, दो दो फर्टाइल लोब्स में पाया जाता है। होप आपको एंड्रोशियम मेल गैमेटोफाइट समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम पिस्टिल ऐसे भी कह सकते हैं। और पिस्टिल हैज़ टर्मिनल रिस्पेक्टिव डिस्क लाइक स्टिग्मा पहला पार्ट, स्टॉक लाइक स्टाइल दूसरा पार्ट, एंड ए बेसल सोलन पार्ट ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स दोस्तों, तीन पार्ट उसमें आते हैं। तो पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। तो उसे सब मिलाकर टुगेदर हम इसे क्या कहेंगे, एक ऑर्गन कहेंगे, और उसका आसान भाषा में उसका नाम क्या है, तो इट इज़ नोन एज द पिस्टिल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, गाइनेशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल वॉल हैविंग इंडिविजुअल मेम्बर कॉल्ड कार्पेल्स। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में का फीमेल गैमेटोफाइट का नाम गाइनेशियम दिया है, जैसा मेल गैमेटोफाइट का नाम एंड्रोशियम था वैसे
फीमेल गैमेटोफाइट का नाम गाइनेशियम है, जिसमें ये क्या रहते हैं तो फ्लोरल वॉल हैविंग इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कार्पेल्स। और ये कार्पेल्स क्या है तो कार्पेल्स यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इनको हम कार्पेल्स टुगेदर में कह सकते हैं। तो पहला जो है तो स्टॉक है, स्टॉक ओव्यूल इज कॉल्ड फनिकल और फनिकुलस। इट अटैचेस ऑन द ओव्यूल विथ फर्टाइल टिश्यू ऑफ ओवरी कॉल्ड प्लेसेंटा। इट सप्लाइज द न्यूट्रिशन टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो स्टॉक का मेन फंक्शन क्या है तो स्टॉक लाइक स्टाइल जिसको हम कहेंगे उसका मेन फंक्शन क्या है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी ऑफ अ ओव्यूल को, ओव्यूल या ओवरी और एग हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और प्लेसेंटा के जरिए ये कनेक्ट रहता है फनिकल को या फनिकुलस को, तो इसमें से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा दोस्तों जो पार्ट है उसको हम बॉडी कहेंगे, तो बॉडी द फनिकल बियर्स मेजर सोलन पार्ट ओव्यूल, द स्टॉक इज अटैच्ड टू द बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल एट द पॉइंट कॉल्ड हाइलम। तो दोस्तों जो फिगर दी गई है वहाँ पे बॉडी क्या रहती है तो बॉडी एक मेजर सोलन पार्ट रहता है ओव्यूल का टोटल मिलाकर, और ये क्या करता है तो उसके टिप पर कॉल्ड बॉडी ऑफ ओव्यूल, तो स्टॉक इज अटैच टू द बेसल पार्ट यानी निचले पार्ट को ये अटैच रहता है, और वहाँ से अटैच होके एक पार्ट बनाती है वो, और वो पार्ट जहाँ पे वो ज्वाइनिंग होती है उसको हम क्या कहेंगे तो हाइलम कहेंगे। एक है ऊपर स्टॉक का फनिकुलस और दूसरा है बॉडी का हाइलम, तो ये दो पार्ट्स जो भी पूरे बॉडी को या स्टॉक को बनाते इसे हम टोटल क्या कहेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी ये पिस्टिल में स्टाइल हुआ, स्टिग्मा हुआ और ओवरी हुआ, मगर इसमें और ज़्यादा हमें पार्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे चला जाए, न्यूसिलस है, इंटिग्यूमेंट है, एम्ब्रियोसैक है, एक सेल है, सिनर्जिड्स है, माइक्रोपाइल है, फिनिकुलस है, हाइलम है, न्यूक्लियस है, एंटीपोडल सेल्स है या राफ है। तो वीएस ऑफ मैच्योर ओव्यूल उसकी हमने फिगर बनाई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते कि कैसे इसके पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इनका लेबलिंग कैसे किस तरह है। और दोस्तों लास्ट 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम बायोलॉजी में इसका फिगर या डायग्राम पूछा था जो कि वीएस ऑफ मैच्योर ओव्यूल ऐसा था। तो आइए देखते शुरू करते बॉडी से लेकर। तो बॉडी द फनिकल बियर्स मेजर सोलन पार्ट, ये तो हमने देख लिया है। अभी उसके आगे न्यूसिलस, न्यूसिलस क्या है दोस्तों, तो न्यूसिलस इट फॉर्म्स द मेन सेंट्रल बल्क ऑफ ओव्यूल बॉडी। द न्यूसिलस रिप्रेजेंट्स द मेगास्पोरेजियम प्रॉपर ऑफ एन ओव्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिप्लॉयड पैरेन्काइमा सेल्स। तो न्यूसिलस में क्या होता है तो पैरेन्काइमा सेल्स बहुत ज़्यादा टुगेदर हुए या इकट्ठे हुए, और ये क्या करते तो एक इंटीग्यूमेंट बनाते या मेगास्पोरेंजियम का एक पार्ट बनाते, और उसके ऊपर जो कि एक नाम लिखा है चला जा, तो उसके ऊपर चला जा इज नोन एज द बेसल पार्ट ऑफ न्यूसिलस फ्रॉम वेयर द इंटीग्यूमेंट डेवलप्स इन इज कॉल्ड चला जा। दिस एंड ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजल एंड, यानी जो एक बेसल पार्ट है चला जा बोल के, तो वो एक कहाँ पे तो एक बेसल रीजन पे जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स डेवलप होते, और इसको टोटल हम क्या कहेंगे तो चलाजल एंड ऐसे भी कह सकते हैं। दोस्तों अगला जो है वहाँ पे दो इंटीग्यूमेंट्स दिए फिगर में, तो इंटीग्यूमेंट्स यानी तो इंटीग्यूमेंट का मेन फंक्शन क्या है, इट सराउंड्स और इट प्रोटेक्ट्स ऑल द वीएस ऑफ मैच्योर ओव्यूल, यानी मैच्योर ओव्यूल को पूरी तरह ये क्या करते हैं तो प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के पार्ट्स को हम बाद में डिस्कस करने वाले। तो इसका मेन फंक्शन क्या है इंटीग्यूमेंट का, तो इंटीग्यूमेंट गिव्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टू द न्यूसिलस, न्यूसिलस को क्या करते एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देते, और सराउंड्स कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से ये सराउंड करता है, प्रोटेक्शन देता है। अगला दोस्तों क्या है तो माइक्रोपाइल जो कि वहाँ पे फिगर में दिखाया गया है,
तो माइक्रोपाइल क्या रहता है, इट इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द टर्मिनल एंड ऑफ न्यूसिलस, यानी नैरो ओपनिंग है, बहुत नैरो ओपनिंग यानी स्मॉल पोर्शन है, ओपन हुआ है, जिसको हम माइक्रोपाइल ऐसे भी कह सकते हैं। तो इट कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड दिस एंड ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, इसको क्या कहेंगे, ये एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड ऐसे भी कह सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में एम्ब्रियो सैक ऐसा दिया गया है, तो एम्ब्रियो सैक ये क्या है, तो इट इज़ मैच्योर ओवल, द न्यूसिलस शोज द प्रेजेंस ऑफ एन ओवल शेप्ड हैप्लोइड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक में क्या रहता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट ये फॉर्म होता है, बनता है, प्रोड्यूस होता है, और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, तो संभाल के रखा जाता है जब तक कि वो मैच्योर होता नहीं, यानी फॉर्मेशन भी वहाँ होता है, प्रोडक्शन भी होता है, सिंथेसिस भी वही होता है। तो माइक्रो एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिया है जो कि सराउंड करता है एम्ब्रियो को, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों अगला जो पार्ट है, अभी फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ये पार्ट्स ऑफ ओव्यूल आर फनिकल, तो फनिकल वहाँ पे दिया है, इट फंक्शंस फॉर सपोर्ट प्रोजेक्शन एंड कंडक्शन, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इट गिव्स द सपोर्ट, सपोर्ट देता है, इट गिव्स द कंडक्शन, कंडक्शन देता है, और इसका क्या है, तो प्रोजेक्शन देता है। न्यूसिलस, दोस्तों न्यूसिलस के बारे में, तो ये रहा न्यूसिलस, इट इज़ द ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, यानी पैरेन्काइमा सेल्स का एक ग्रुप किया गया है और उसको हम क्या कहेंगे, तो न्यूसिलस कहेंगे, और दे गिव द प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो, इट प्रोटेक्शन एम्ब्रियो सैक में रहता ही है, और न्यूसिलस क्या है, तो पैरेन्काइमा सेल्स क्या टुगेदरनेस ऑफ वहाँ पे वो इकट्ठे हुए, और मेगास्पोरेंजियम ऑफ ओव्यूल और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का मेगास्पोरेंजियम वहाँ पे बनता है, और ये बाद में सपोर्ट भी करता है अंदर के जो कि स्ट्रक्चर है एक सेल या एम्ब्रियो सैक, उसको भी एक कनेक्शन देता है। अगला जो है दोस्तों इंटिग्यूमेंट्स, दे गिव्स द प्रोटेक्शन टू द न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो सैक, इंटिग्यूमेंट्स क्या करते हैं, तो प्रोटेक्शन देते हैं एम्ब्रियो सैक और एक सेल्स को, सिनर्जिड्स भी उसमें है, तो ये टोटल प्रोटेक्शन देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, वॉलिंग करने का काम, कंप्लीट करने का काम, सराउंड करने का काम ये करते हैं। आगे तो एक एम्ब्रियो सैक और एक सेल, तो एक है पोलर न्यूक्लियस वहाँ पे बने, जिसको हम सिनर्जिड्स एंटीपोडल्स ऐसे भी कह सकते हैं, बोथ द पोलर न्यूक्लियर फ्यूज विद सेकंड मेल गैमेट फॉर्म होता है वहाँ पे, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का विच डेवलप्स इनटू द न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू में इसका क्या होने वाला है, तो डेवलपमेंट होता है, और डेवलपिंग में इट नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम भी वो पोलर न्यूक्लियर करता है। तो पोलर न्यूक्लियर यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल आपने सुना होगा, तो वैसे ही वहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिया है, दिस इज नोन एज द पोलर न्यूक्लियर, वहाँ पे एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स, तो एंटीपोडल सेल्स ऊपर के पोल को रहते और सिनर्जिड्स नीचे के पोल को रहते, तो ये टोटल पोर्शन जो है उसको हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे, और अंदर के पोर्शन को हम एक सेल उसमें देखने को मिल रहा है और एक न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूक्लियस यानी क्या है, तो इट इज़ नोन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस का पार्ट ये रोल प्ले करता है। एंटीपोडल सबसे इंपॉर्टेंट, दीज आर नोन एज द एसेसरी सेल्स वेयर दे डिजेनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये डिजेनरेट होते हैं, और इनको हम क्या कहेंगे, तो एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। तो ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैच्योर ओवल का, जिसमें कि हर प्रकार के कुछ नाम दिए गए, लेबलिंग की गई है, और उसमें हम देख सकते हैं
चल आज आगे क्या फंक्शन है, माइक्रोपाइल क्या रहता है, सिनर्जिड्स क्या रहते हैं, एंटीपोडल्स क्या रहते हैं, इंट्यूगमेंट्स क्या कवरिंग करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, हाइलम क्या करता है, फनिकुलस क्या करता है, स्टॉक बॉडी यानी गाइनेशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल वॉल इंडिविजुअली मेंबर्स किसको कहेंगे हम, कार्पेल्स को कहेंगे। अभी दोस्तों होप यू एंजॉयड द लेक्चर, आपको एंड्रोशियम अंतर पता चल गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि पिस्टिल हम कहेंगे पूरा टुगेदर बोलना रहेगा तो आपको वो पता चल गया, यानी मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट। आज दोस्तों हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, तो होप यू एंजॉयड द लेक्चर, स्टे ट्यून्ड स्टे अपडेटेड, हैव अ गुड डे। बट बिफोर दैट इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। ओके, गुड डे।